हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंथेटिक ऑक्सीजन. पूछा गया है इनमें से कौन सा सिंथेटिक ऑक्सीजन है. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और सिलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिया है. तो अगर हम देखिए जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो ग्रुप में. एक कौन से, नेचुरल ऑक्सीजन. नेचुरल ऑक्सीजन मतलब नेचुरली प्रेजेंट है ऑर्गेनिज्म में और उनसे ऑप्टेन कर रहे हैं. दूसरा कौन सा है, सिंथेटिक सिंथेटिक ऑक्सीजन जो हम बना रहे हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो सिंथेटिक एक तरह से मैन मेड कह सकते हैं, यहाँ पे नेचुरल मतलब नेचुरली अकर है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में. तो नेचुरल अगर हम देखें इनमें से जो है कौन कौन सा है, पहला जो है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड एक तो ये IAA इंडोल एसिटिक एसिड ये नेचुरल है, एंड इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड ये क्या है, IBA. और सिंथेटिक में कौन सा आता है, नेप्थलीन एसिडिक एसिड, नेप्थलीन एसिडिक एसिड ये कौन सा है, NAA. और 2,4-D दैट इज 2,4-dichlorophenoxyacetic यहाँ पे क्या 2,4-dichlorophenoxyacetic एसिड, एसिटिक एसिड तो ये क्या है, हम 2,4-D बोल रहे हैं, 2,4-D. तो अगर हम देखें यहाँ पे ऑक्सीजन में ये दोनों वाले जो है ये क्या है, ये नेचुरल वाले और ये वाले कौन सा सिंथेटिक वाले, सिंथेटिक वाला कौन सा ये और ये, तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ होगा. तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे ये सी दैट इज थर्ड एंड फोर्थ. यहाँ 1, 2 and 3 दिया है ये तो गलत हुआ क्योंकि 1, 2 तो नेचुरल है, यहाँ पे 2 दिया ये भी नेचुरल है तो ये भी गलत, यहाँ पे अगर हम देखें गलत हो गया. नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है 1, 2, 3 and 4 ये तो गलत ही है यहाँ पे क्योंकि पहले दो जो है वो क्या नेचुरल है. तो करेक्ट आंसर टू दिस थर्ड वन वो भी अंडरस्टूड. थैंक यू नो ऑल द